नमस्कार, एस एम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट भानु प्रताप जी, जो बहुत अच्छे से वक्ता हैं, बहुजन समाज के और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। भानु प्रताप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भानु प्रताप जी, अभी बीजेपी ने एक एजेंडा चालू करा है जिसमें एक देश एक चुनाव का नाम दिया है उन्होंने, तो ये क्या है एक देश एक चुनाव, उसके बारे में अच्छे से खुल के हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एक देश एक चुनाव का नारा बीजेपी का अभी का नहीं है। हाँ, अब इस नारे को क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में बड़े भारी बहुमत से ईवीएम में गड़बड़ी करके वो जीत के आ गई है, तो वो चाहती है कि बिना किसी देरी के एक देश एक चुनाव का जो उसका आरएसएस का एजेंडा है वो लागू कर दिया जाए। लेकिन ये पिछली सरकार में भी उन्होंने ये कोशिश करी थी। हाँ, जैसा मैंने सुना, ये अच्छा लगा कि जो पार्टियाँ हैं, विपक्षी पार्टियाँ हैं, उन्होंने इसका बहिष्कार किया। मैं सिर्फ ये जानना आपको बताना चाहता हूँ, ये नारा ही अपने आप में संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है। एक देश में एक चुनाव केवल और केवल लोकसभा का तो हो सकता है, लेकिन देश में विधानसभाएं भी हैं, राज्य हैं, राज्यों की विधानसभाएं हैं, और ये देश एक यूनियन है, राज्यों का संघ है। ये राज्यों का संघ है, ये एक ही इकाई नहीं है। तो इन राज्यों के संघ में उन राज्यों की अपनी स्वायत्तता है, उनकी अपनी विधानसभाएं हैं, और उन विधानसभाओं का अलग अलग समय पर उसका काल होता है। माने किसी विधानसभा का काल जो है अभी इस साल 2019 से शुरू होकर वो अगले 5 साल के लिए 2024 के लिए हुआ, और मानिए कुछ जो विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल आने वाले 2020 से शुरू होकर 2025 तक का हुआ। इसी तरह से हर विधानसभा का भिन्न भिन्न काल है। जैसे आप देख रहे हैं कि आने वाले 3 महीने बाद 4 राज्यों के चुनाव होंगे, इसका मतलब यह है कि 3 महीने बाद उन 4 राज्यों की विधानसभाओं का जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा होगा। और संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि चाहे तो लोकसभा में और चाहे राज्यों की विधानसभाओं में, उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा जी। वो कार्यकाल ना 2 साल का हो सकता है, ना 3 साल का हो सकता है, ना 1 साल का हो सकता है, ना 4 साल का हो सकता है। और वो वहां की उन राज्यों की विधानसभाओं पर और केंद्र की लोकसभा संसद के ऊपर वो निर्भर करता है कि कब उनका कार्यकाल किस स्थिति में आके खत्म हो जाए। माना कोई इमरजेंसी लग गई, अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर दिया गया, या कोई और भी स्थिति हो गई, उसमें उसका जो कार्यकाल है वहां राष्ट्रपति शासन लगा के उसका कार्यकाल खत्म करना पड़ा, तब एक मजबूरी हो गई, तब एक स्थिति ऐसी हो गई कि वो आपात स्थिति है, उस समय उसका कार्यकाल आप इलेक्शन करा सकते हैं साथ में। जैसे अभी आपने देखा कि वहां की विधानसभा, तेलंगाना की विधानसभा जो थी वो बंद भंग कर दी गई, उसके बाद में जो चुनाव जो है उस विधानसभा के इन्हीं लोकसभा चुनाव के साथ में कराए गए, तो ये एक स्थिति हो सकती है। लेकिन हर विधानसभा का अपना कार्यकाल है, वो बिल्कुल अलग अलग होता है, संविधान के अनुसार होता है, एक साथ उनके चुनाव नहीं कराए जा सकते, अगर कराए जाएंगे तो यह गैर संवैधानिक होगा। गैर संवैधानिक इसलिए होगा कि अगर 5 साल का कार्यकाल है तो आपको अधिकार नहीं है, संसद को अधिकार नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि बिना आपात स्थिति के आप उसे बीच में से खत्म कर दें, उसे 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का या 1 साल का खत्म कर दें। यह हो नहीं सकता, यह बिल्कुल गैर कानूनी, असंवैधानिक है, और यह बीजेपी आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए इस सबको लागू करना चाहती है। केवल और केवल पूरे देश में अगर एक देश एक चुनाव की बात करते हैं तो एक देश में एक चुनाव मात्र लोकसभा का हो सकता है, राज्यों की विधानसभाओं का नहीं हो सकता उसके साथ में जी। ये बीजेपी अपने एजेंडे के लिए काम कर रही है और गैर संवैधानिक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।